कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आपकी एक्स्ट्रा आपके लेकर आई है धनु और मकर राशि वालों का राशिफल। क्या खास लेकर आ रहा है धनु राशि वालों के लिए और मकर राशि वालों के लिए जून का महीना? कैसा आपके लिए व्यवसाय रहेगा, पारिवारिक जीवन रहेगा, आपके दाम्पत्य जीवन में क्या खुशखबरी आने वाली है या कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए कैसा रहेगा, ये कुछ विशेष जानकारियां और कौन से उपाय करके आप अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले धनुराशि की। धनुराशि वाले जातकों के लिए यही कहना चाहूंगी कि आपके लिए इस महीने में धन के योग बन रहे हैं, पर आपको उसमें भी कुछ ना कुछ कमी महसूस होगी। आप चाहेंगे इससे बढ़कर मिले, आपको यही में सलाह है, जो भी मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहिए, क्योंकि अगर संतुष्ट रहेंगे तो भगवान उससे बढ़कर आपको देगा। बस आप में जो संतुष्टि की भावना नहीं है उसके चलते आपको जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, उसकी वजह से आपका मन विचलित हो सकता है। तो यही आपसे सलाह है, कारोबार आपका अच्छा रहेगा, व्यवसाय अच्छा रहेगा, पर जितना मिल रहा है उसमें ही संतुष्ट रहिए। आगे चलकर आने वाला समय आपके लिए अनुकूल होगा और हो सकता है आपके काम में, आपके कार्य में, आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी के भी योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य की तरफ लापरवाही करते हैं जिसके चलते आपको आगे जाकर परेशानियों का सामना करना ना पड़े। तो यही सलाह है, अपने स्वास्थ्य की तरफ आप ध्यान दीजिए। परिवार में आपका बेहतर रहेगा, पर हो सकता है ससुराल पक्ष की तरफ से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या हो सकता है उनसे विवाद भी हो सकता है, या कुछ गलतफहमियों की वजह से या किसी अन्य परेशानियों की वजह से आप अपने ससुराल की तरफ से आपको हो सकता है कुछ ऐसे रिश्तों की वजह से आपको तनाव में आ सकते हैं या आपका विवाद हो सकता है। अब बात करते हैं आपके गृहस्थ जीवन की। गृहस्थ जीवन में भी आपका तनावपूर्ण स्थिति रह सकती है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या कह सकते हैं कुछ आपके अंदर अगर कुछ बात दबी हुई थी जिसके चलते आप उसको नहीं शेयर कर पा रहे थे, और उसकी वजह से आपके आपस में रिश्तों में गलतफहमियों का आगमन हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये महीना बेहतर जाने वाला है, पर अगर आप अभी से अपनी स्टडी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे या कह रहे हैं कि कोई नहीं हो जाएगा कर लेंगे, लापरवाही दिखा रहे हैं, तो यही नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। अभी से अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, स्टडी की तरफ ध्यान दीजिए, ताकि आगे जाके आपको चुनौतीपूर्ण वातावरण ना मिले, चुनौतीपूर्ण समय का सामना ना करना पड़े। तो ये था धनुराशि वालों के लिए क्या खास आपके लिए करना चाहिए। आपको धनुराशि वालों को यही कहूँगी कि आप केसर का या हल्दी का तिलक अपने माथे पर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर और अपने इस चोटी वाले स्थान पर आपको लगाना चाहिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः का जाप कंटिन्यू करते रहना चाहिए, हर वक्त करते रहना, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त अपने मन में एक तरह से ओम नमः भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते ही रहना चाहिए, जिससे आपको हर परेशानियों से निजात मिलेगी और सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को महीने के प्रारंभ में कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। ये नहीं कि आपको ये महीना अच्छा नहीं है, कुछ समय के लिए कह सकते हैं फर्स्ट वीक तक आपको कुछ असफलताएं मिल सकती हैं, चाहे व्यवसाय में लेके या किसी भी कार्य को लेकर, पर उसके बाद आपको जो आपके कार्य में इतनी ऊंचाइयां और इतनी सफलताएं मिलने के योग बन रहे हैं शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है, आपके कारोबार से लेकर संबंधित, आपके परिवार से संबंधित और आपके जीवन से संबंधित कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिसे आप शायद सोच भी नहीं सकते। तो ये महीना आपके लिए काफ़ी शुभ चाहने वाला है, कह सकते हैं कि आपको वो सब सफलताएं मिलेंगी, वो सब ऊंचाइयां मिलेंगी जिसकी कल्पना आप करते हैं। तो आपके परिवार में भी खुशनुमा वातावरण रहेगा, आपके पार्टनर आपका सहयोग देंगे, आप अपने पार्टनर के साथ बनाकर रखिए, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग से हर कार्य को करिए जिससे आपको सफलताएं मिलेंगी। आपके व्यवसाय में भी आपको कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे या आपके सहयोगी की तरफ से आपको ऐसे अवसर मिलेंगे या आपके मित्रों की वजह से आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिससे आपके कारोबार को बढ़ाने में आपको सहायता मिलेगी। कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपको कारों में आपको मदद करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये, अगर प्रतियोगिता की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कह सकते हैं कि मंथ के लास्ट में आपको कुछ शुभ समाचार मिल सकता है आपके करियर के से संबंधित, जिसे आप अपने लाइफ में आगे जाके अचीव कर सकते हैं।
साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा। पर कुछ हो सकता है मंथ के मध्य के बाद आपको अपने स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, खास करके अपनी पिंडलियों का या अपने घुटनों का विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसके चलते आपको परेशानी हो सकती है। तो यही सलाह है, अपने कार्य के चलते अपने स्वास्थ्य की तरफ आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, यही मेरी आपसे सलाह है। क्या करना चाहिए मकर राशि वाले जातकों को? मकर राशि वाले जातकों को हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हो सके तो हनुमान जी के जितनी उपासना आप कर सकते हैं वह आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि शनि की सरस्वती भी आपके ऊपर इस वक्त चल रही है, जिसके चलते अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो आपको काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकती है आपके लिए। तो यही आपसे है, हो सके तो आप हनुमान चालीसा का कंटिन्यू पाठ करते रहिए, हो सके तो मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाइए, जिससे आपको हर परेशानी से निजात मिलेगी और आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बनेगी। तो ये था धनु और मकर राशि वालों के लिए क्या खास रहेगा जून का महीना। इसी के साथ मेन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इसी के साथ आपसे आगे लेती हूँ, राधे राधे।